तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में नामांकन के अंतिम दिन दर्जनों प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जहां सलेमपुर विधानसभा में सपा और सुहेलदेव पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी मनबोध प्रसाद ने नामांकन भरा, तो वहीं सदर विधानसभा से सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह ने पर्चा भरा। इस दौरान जनपद के रुद्रपुर विधानसभा से रामभुआल निषाद ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि इसके पहले सपा ने रुद्रपुर विधानसभा से प्रदीप यादव को टिकट दिया था, लेकिन आखिरी समय में उनका टिकट काटकर रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से दो सेट में पर्चा भरा हूँ, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। क्या प्राथमिकता होंगी? प्राथमिकता हमारी तो ये होगी कि अब जीत जाए सरकार बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप घोषणा पत्र देख ही रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करना, समाजवादी पेंशन देना, 10 लाख लोगों को रोजगार देना, आईटी सेल में भर्ती करना, तमाम हमारी योजनाएं हैं जो हमारी प्राथमिकता में है, जिसके लिए क्षेत्रीय विकास तो आता ही है, लेकिन हम अपने मुद्दों को आपको दे रहे हैं कि जिससे कि हम उपचुनाव लड़ रहे हैं। उपलब्धि क्या जो हमारे पिताजी का अधूरा कार्य है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आगे का नया कार्य योजना तैयार करेंगे। आप जिस चेंजर के रूप में आए हैं, आपको देख के लोगों को बड़ा आशा जगी है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कुछ सोच के ही फैसला लिया होगा ना, चुनाव तो जीतना ही था। जो भाजपा ने मुझे किनारा किया, इन्होंने मुझे सहारा दिया, इससे बड़ा क्या मेरे लिए हो सकता है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में बरहज विधानसभा से 4 सीट में अपना नामांकन किया। आरोप है वहाँ बरस की जनता का कि जो भी प्रत्याशी वहाँ हुए जनता से छलावा हुआ है, आप कि कैसे इस छलावे को दूर करेंगे? मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ, बरहज विधानसभा में अगर कार्य हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी द्वारा हुआ है, सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार तो हर सरकार सुविधा देती है, नीति लाती है जन समस्याओं को दूर करने के लिए, पर जो विधायक होता है अगर वही निठल्ला हो जाए तो उसकी बात ही क्या है। तो मैं अपने पिताजी को रोल मॉडल मानता हूँ, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान करूँगा और क्षेत्र का विकास करने, बस यही मेरा एक मकसद है। टिकट हमारा काटने हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमको हमारा लड़का 14 के उनके जुलूस में घूम रहे थे गोरख पासवान के, मेरा लड़का नदी में डूब के मर गया, फिर हमको 17 में टिकट दिए, फिर 10 महीने दौड़ा काट लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे अखिलेश यादव, अब फिर मेरे को टिकट क्यों दिए, फिर काटना ही था, तो अब मैं क्या करूं, मरूं या तो नदी में डूब के, अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनसे टिकट नहीं मांगने जाऊंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता की अदालत फैसला करेगी, बटन वो दबाएगी, वो नहीं आके दबाएंगे, अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा। टिकट तो मेरा ही फाइनल था, लेकिन कुछ रणनीति के तहत ऐसा हुआ था, सूची में उनका नाम आया था, सूची में सिर्फ नाम आया था, फार्म ए फार्म बी नहीं मिला था, और पार्टी हाईकमान को पता था कि ये लड़ाई में फाइट में नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से लाए गए, चूँकि हम यहाँ से यहाँ 2.5 साल से लगे थे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस चीज़ की जानकारी है, लेकिन कुछ रणनीति रही होगी,